हेलो, मैं AS राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ जो कि पार्ट है इंग्लिश वोकैबुलरी का ही। तो इसका नाम है इडियम फ्रेजेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे बिना किसी देरी के। तो आज का पहला अपने पास है अचील्स हिल। देखो, अचील हिल्स का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान का कोई कमजोर पक्ष होना, मतलब किसी की कोई कमजोरी होना क्या कहलाता है? अचील हिल्स मतलब स्मॉल बट फैटल वीकनेस। मतलब क्या होगा? अचील्स हिल हो जाएगा, ठीक है? कोई भी आपकी वीकनेस है, जैसे आपकी वीकनेस है पढ़ते टाइम स्लीप आपकी वीकनेस होती है, सुबह उठना आपकी वीकनेस हो सकती है, तो ये क्या होता है? अचील्स हिल होता है, ठीक है? सेकंड है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर मतलब होता है आग में घी डालना, मतलब किसी को गुस्सा और ज़्यादा दिलाना। टू मेक ए मैटर वर्स मतलब किसी चीज़ को और बुरी तरह से मतलब कंडीशन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है? फिर अपने पास एन आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, मतलब जॉब भी इजी है, ज्यादा वर्क करने को भी नहीं है और इसमें क्या है सैलरी भी अच्छी हो, वो क्या कहलाती है? एन आर्म चेयर जॉब कहलाती है। देखो, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, ठीक है? नेक्स्ट अपने पास एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स टू ग्राइंड का यहाँ मतलब ये निकलेगा कि अपना स्वार्थ भरा उद्देश्य, मतलब है कि अगर आपको एक्स भी मिली है तो भी आप उसे ग्राइंडिंग ही करेंगे, मतलब कुछ भी मिल जाए आपको तो आप सिर्फ खुद का सेल्फिशनेस को वो करेंगे, पूर्ण करेंगे, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। तो समथिंग डन फॉर सेल्फ रीजन क्या कहलाता है? सेल्फिश रीजन के जो काम किए जाते हैं वो क्या होते हैं? एन एक्स टू ग्राइंड कहलाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपने फिर एन आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है बहुत ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला इंसान, स्ट्रांग विल पावर जो होती है वो क्या कहलाती है? अपने एन आयरन विल कहलाती है। मतलब क्या हो जाएगा कि दृढ़ शक्ति बहुत, किसी भी काम को करने के लिए आप में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज है, बहुत ज्यादा माइंड है, विल पावर है, ठीक है? नेक्स्ट अपने पास में ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है आपका पुराना प्यार, मतलब आपका जो एक्स रह चुका है, किसी से रिलेशन रह चुका है पहले, वो क्या कहलाएगा? पुराना प्यार क्या कहलाएगा? एन ओल्ड फ्लेम। ए पर्सन पुराना प्यार मतलब है ए पर्सन वन हैड रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप रह चुका है पास्ट में, वो क्या हो जाएगा? ओल्ड फ्लेम हो जाएगा, ठीक है? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स मतलब क्या होता है कि छोटे बच्चे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाना क्या हो जाता है? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, जैसे अपन बात करें तो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो जाना, ठीक है? किसी की फैमिली में अगर यंग एज में किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो वो बच्चा क्या बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाता है यंग एज में, इसलिए क्या कहलाता है वो? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ठीक है? ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन एल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन, वो क्या होता है? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ठीक है? नेक्स्ट अपने पास एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच मतलब होता है शांति से कोई निवेदन करना। ऑलिव मतलब सॉफ्टनेस का प्रतीक है, तो ऑलिव ब्रांच मतलब होगा कोई शांति से किसी चीज का निवेदन करना, क्या कहलाता है? वो कहलाता है, ठीक है? पीस रिक्वेस्ट या फिर पीस ट्रीटी होती है ना ऑलिव ब्रांच। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? झगड़ी के प्रसाद, मतलब एक ही एप्पल है और दो लोग है उसको खाने के लिए, मतलब क्या होगी? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होगी, झगड़े की कारण होगी वो, ठीक है? तो मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट अपने पास एप्पल ऑफ वंस आए। एप्पल ऑफ वंस आए का मतलब होता है किसी की आंख का दुलारा, किसी को बहुत ज्यादा प्यारा होना, जैसे आप आपके पेरेंट्स के एप्पल ऑफ वंस आए हो, ठीक है? तो इसका एग्जाम जैसे हो जाएगा वेरी लवेबल या फिर डियरेस्ट वन, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं अपन बैड ब्लड की। बैड ब्लड का मतलब होता है किसी से शत्रुता पे होना या फिर एनिमिटी पे होना, बिटर रिलेशन होना। देखो, बिटर है, बेटर नहीं है, बिटर मतलब होता है कड़वे रिलेशन होना किसी से, क्या कहते हैं? बैड ब्लड कहलाते हैं, मतलब शत्रुता होती है, ठीक है? नेक्स्ट आने वाला बैग एंड बैगेज मतलब होता है पूरा बोरिया बिस्तर समेत। किसी को बोलता है ना बोरिया बिस्तर समेत, मतलब जस्ट फोल्ड योर बैग एंड बैगेज, तो क्या हो जाएगा? मतलब सारा सामान इंक्लूड हो गया। बैग एंड बैगेज मतलब हो गया सारा सामान बोरिया बिस्तर समेत विथ ऑल बिलोंगिंग्स, ठीक है? नेक्स्ट आता है बेकर्स डजन। बेकर्स डजन मतलब होता है संख्या में 13। अगर अपन नॉर्मल बात करें तो एक डजन में होता है 12, बट अगर अपन बेकर्स डजन है तो बात करें तो संख्या में 13 होता है, 13 इन नंबर, ठीक है? बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ मतलब क्या होता है? धनी परिवार में पैदा होना, जैसे अंबानी के बच्चे हैं वो क्या है, उनके लिए ये काउंट होगा, बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ हो जाएगा, ठीक है? टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली मतलब अमीर परिवार में पैदा होना क्या होता है कि पैदा होते ही मुंह में चांदी की चम्मच होना, ठीक है? बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब क्या होता है? सारी जिम्मेदारी का भाग उठाना, मतलब कि सारी जो भी जिम्मेदारी है वो सब आप वहन कर रहे हैं, मतलब बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट अपने पास बियर द बर्नट ऑफ। बियर द बर्नट ऑफ का मतलब होता है कि कोई परिणाम भुगतना, मतलब आपने कोई काम कर दिया है अब उस काम का कोई भी परिणाम हो सकता है वो आप भुगतेंगे, ठीक है? अगर पढ़ नहीं रहे तो उसका परिणाम आप भुगतेंगे, पढ़ रहे हैं तो परिणाम आप भुगतेंगे, तो जो भी है अगर अच्छा हो बुरा हो वो अलग बात है, बट परिणाम भुगतना क्या होता है? बियर द बर्नट ऑफ,
टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश, मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, मतलब बुश के चारों तरफ घूमते रहना। तो बीट अबाउट द बुश मतलब क्या हो जाएगा, घुमा फिरा के बात करना, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर या सरकम लोकेशन, ठीक है। बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब होता है किसी की बहुत ही ज्यादा गंदी तरह से पिटाई करना, क्या होता है बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना, ठीक है। बीटिंग मर्सीलेसली, मर्सीलेस मतलब दया, बिना दया के किसी को मारना। नेक्स्ट अपने पास बीट होलो, बीट होलो का मतलब होता है काफी आसानी है। तो नेक्स्ट वर्ड अपने पास बीट होलो, बीट होलो मतलब होता है काफी आसानी से बुरी तरह से पराजित हो जाना, मतलब कोई टीम बहुत बड़े मार्जिन से हार जाती है तो क्या होता है बीट होलो कहेंगे उसे, ठीक है। तो टू डिफीट थोरली एंड कन्विंसिंगली क्या हो जाएगा, बीट होलो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल मतलब होता है ये देखो BEC के है ना कि BAC के, बैक एंड कॉल मतलब होता है आज्ञा में रहना, ठीक है। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, फटाफट से किसी ऑर्डर को मान लेना क्या होता है बैक एंड कॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है कोई भी आनंद से भरपूर भरपूर लाइफ को स्पेंड करना, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कम्फर्ट, मतलब कम्फर्ट ही कम्फर्ट है चारों तरफ से, क्या होगा बेड ऑफ रोजेज है, ठीक है। बैड ऑफ थ्रोन्स की बात करें तो दुख तकलीफ से भरपूर है, दुख तकलीफ से भरपूर मतलब क्या हो गया, ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, अगर कोई सिचुएशन है जैसे पढ़ाई करना आपको डिफिकल्टी लगी तो पढ़ाई की हो जाएगी स्टडी आपके लिए बैड ऑफ थ्रोन्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बैगर्स डिस्क्रिप्शन, बैगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब होता है जिस चीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है, बैगर्स डिस्क्रिप्शन कहलाता है। ए पर्सन विथ नो रिसोर्स मतलब कोई एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है बैल द कैट, बैल द कैट आपने वो स्टोरी सुनी है एक बिल्ली के गले में घंटी डालने वाली, इसलिए उससे क्या बना है बैल द कैट है, मतलब क्या बना है जोखिम उठाना, किसी भी काम को जोखिम भरे काम करने के लिए जो काम किया जाता है उसमें क्या इंक्लूड करेंगे आप बैल द कैट, तो इसमें इंग्लिश में जाएगा टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, रिस्क आपकी है, ठीक है सारी। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है बून ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है छिपा हुआ वरदान, मतलब होता है हिडन ब्लेसिंग, मतलब दुख के वेश में सुख आना क्या कहलाता है बून ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड मतलब होता है बहुत ज्यादा जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड जो होते हैं वो क्या कहलाता है बॉसम फ्रेंड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, आप दो लोग बैठे हैं दोनों में से कोई नहीं बोल रहा तो हु वुड ब्रेक द आइस, तो यहाँ यूज हो गया ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेथ वंस लास्ट मतलब मर जाना, टू पास अवे और डाई मतलब लास्ट ब्रेथ, तो ब्रेथ वंस लास्ट, लास्ट पर ब्रेथ लेना। नेक्स्ट है मेरे पास ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट हमने सुना दिन दहाड़े कोई चोरी हो गई, तो थेफ्ट हैपेंड इन ए ब्रॉड डे लाइट, तो क्या हो जाएगा ब्रॉड डे लाइट में कोई चोरी होना मतलब ब्रॉड डे लाइट में होगा दिन दहाड़े, इन डे लाइट वेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, जहां छिप नहीं सकता बावजूद उसके होना क्या कहलाता है दिन दहाड़े कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड मतलब होता है कोई भी अविश्वासी व्यक्ति जो आपको ऑलरेडी धोखा दे चुका है, क्या किसमें इंक्लूड होगा वो ब्रोकन रीड, ठीक है। ए वीक या फिर अनरिलायबल पर्सन क्या होगा ब्रोकन रीड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी मतलब होता है विचार मगन का, बहुत डीप थॉट से किसी चीज को पढ़ना या किसी भी चीज के बारे में बहुत डीप थॉट से सोचना क्या कहलाता है ब्राउन स्टडी कहलाता है। बुल इन द चाइना शॉप होता है जो जगह के अनुकूल ना हो, मतलब कंडीशन बिल्कुल अपोजिट होना जहां प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर का एक कोर्ट में प्रेजेंट होना किसके लिए एडवोकेसी करने के लिए, तो वो क्या हो गया बुल इन द चाइना शॉप हो गया, ठीक है। वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन ए डेलिकेट सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट है बर्न ए होल इन द पॉकेट, मतलब होता है कि आपके पॉकेट में होल होना मतलब शीघ्रता से पैसे खर्च कर देना, मनी स्पेंट क्विकली, इसको अपन स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोलते हैं अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो बर्न ए होल इन द पॉकेट मतलब पैसे बहुत जल्दी खर्च कर देना। नेक्स्ट है बर्न वन्स फिंगर, मतलब होता है खुद का नुकसान कर बैठना, खुद का नुकसान मतलब बर्न वन्स फिंगर मतलब खुद की अंगुलियां जला लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, मतलब होता है कि फिजूल खर्ची करना, दोनों तरह से मतलब कैंडल देना मतलब फिजूल खर्ची करना, ठीक है, टू वेस्ट मनी। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब देर रात तक मेहनत करना, मतलब रात को भी ऑयल जला के पढ़ना है, इससे क्या निकलता है कि देर रात तक मेहनत करना, लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट्स होता है देर रात तक मेहनत करना, ठीक है। बर्निंग क्वेश्चन होता है ज्वलत पर्सन, मतलब हॉट इशू, कोई भी हॉट इशू ट्रेंडिंग इशू जो चल रहा होता है वो किसी से पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, आपके मूवीज से रिलेटेड हो सकता है या और किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, तो वो क्या होता है बर्निंग इशू हो सकता है, आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है, जॉब ओरिएंटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बर्निंग इशू, ठीक है। बरी द हैचेट मतलब होता है कि दुश्मनी खत्म करना, टू एंड हॉस्टिलिटी, दुश्मनी खत्म करना मतलब क्या हो गया बरी द हैचेट।
नेक्स्ट है बाई फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब रुक रुक कर अनियमित रूप से कोई भी काम, इरेगुलर होना क्या कहलाता है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट मतलब धक्का दे दे के कोई काम करना। बाय हुक एंड बाय क्रुक का मतलब होता है गलत या सही किसी भी ढंग से कोई काम करना, चाहे उसमें गलत तरीके से करना है चाहे सही कैसे करना है, काम होना चाहिए, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंस, मतलब होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी का मतलब होता है बाय लीप्स एंड बाउंस, मतलब बहुत एक रैपिड पेस पे कोई भी काम होना क्या कहलाता है बाय लीप्स एंड बाउंस। ठीक है, बाय द स्किन ऑफ वन्स टीथ बाय, तो ये क्या कहलाता है बाय द स्किन ऑफ वन्स टीथ, या फिर इसको बाय विस्कर भी कहलाता है, तो थोड़े से अंतराल है, मतलब बिल्कुल एक नैरो वाले, मतलब जैसे कह सकते हैं ही वॉज सेव्ड बाय विस्कर, मतलब थोड़े से मतलब बिल्कुल मामूली अंतराल से बच गया वरना गाड़ी से भिड़ जाता। तो इसमें क्या यूज करेंगे अपन बाय विस्कर या फिर बाय द स्किन ऑफ वन्स टीथ, मतलब स्किन जितना पतला, समझ सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट है अपने पास क्रॉसवर्ड्स, क्रॉसवर्ड्स का मतलब है लड़ना या फिर किसी से फाइट करना क्या कहलाता है क्रॉसवर्ड्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून, मतलब होता है कोई ऐसी चीज के लिए मतलब रोना या फिर इच्छा करना जो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे मून को पाने की कोशिश करना, तो क्राई फॉर द मून मतलब ऐसी जो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए रोना। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब जो काम हो चुका अब उसके लिए पछताना। रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अंडन, अब वो ये चिड़िया चुगी खेत वो वाली कहावत है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब व्यर्थ किसी भी चीज पे जो पास्ट में हो चुकी है उसे पछताना, क्योंकि पास्ट तो चेंज हो नहीं सकता। कट ए सॉरी फिगर मतलब होता है अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना, मतलब आपने कोशिश तो की बट उससे 1% भी आपको प्रॉफिट ना मिला, तो इससे क्या हो जाएगा टू गिव ए पुअर शो, मतलब क्या होता है बेकार एकदम आपका जो एफर्ट्स है वो बिल्कुल वेन में चले गए, किसी काम में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कट बोथ वेज, मतलब होता है दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, मतलब आप हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का फेवर नहीं ले रहे हैं, दोनों जो भी आपके सामने जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों का फेवर में है। ठीक है, कट नो आइस मतलब होता है कोई असर नहीं डालना, टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन, आपने कोशिश की बट आपने कोई इंप्रेशन डाल नहीं पाया, तो क्या कहलाएगा टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन, तो क्या कोई असर नहीं डाल पाए आप। ठीक है, कट वंस कोट अकॉर्डिंग अपनी आय के अनुसार, टू लिव विद इन वंस मींस, मतलब क्या होता है कि उतना ही कपड़ा काटना जितनी मतलब जितनी पाँव फैलाना जितनी चादर है, इससे क्या हो जाएगा कट वंस कोट अकॉर्डिंग, मतलब अपनी आय के अनुसार कोई काम करना, टू वंस क्लोथ ये सीख सकते हैं, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, जितना कपड़ा चाहिए उतना ही उसको काटना। ठीक है, डांस टू वंस ट्यून मतलब क्या होता है हुक्म का पालन करना या फिर ओबेइंग वंस ऑर्डर, मतलब दूसरे के टोन पे डांस करने का कहलाता है हुक्म का पालन करना। ठीक है, डार्क हॉर्स मतलब होता है कि जो अप्रशासित रूप से जीत जाए, मतलब वन हु विंस, आपको किसी की उम्मीद नहीं है कि ये पास हो जाएगा और वो अच्छे नंबर से पास हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा डार्क हॉर्स कहलाएगा। ठीक है, डेड लेटर क्या होता है, डेड लेटर होता है कानून जो कभी लागू था लेकिन अब नहीं है, मतलब कोई कानून था जैसे वर्नेकुलर प्रेस एक्ट था इंडिपेंडेंस से पहले, तो वो उस टाइम पे लागू था कि ना आप वर्नेकुलर प्रेस एक्ट में जो भी था, तो अब वो लागू नहीं है। ठीक है, कि आप इसमें नॉर्मल लैंग्वेजेस में वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड अपने पास डेमोकल्स स्वॉर्ड, डेमोकल्स स्वॉर्ड मतलब होता है कि सिर पर मंडराता खतरा या फिर कॉन्स्टेंट थ्रेट, मतलब आपके सर पर कोई खतरा है, जैसे आप पढ़ नहीं रहे आपके पेरेंट्स आपके मतलब पास में खड़े हैं कि जैसे गर्दन हटाई तो पड़ जाएगी एक, उस हिसाब से क्या होगा डेमोकल्स स्वॉर्ड हो जाएगा। ये कॉमन एग्जांपल है ये आपकी डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है डाई ए डॉग्स डेथ, मतलब होता है कि लज्जाजनक मौत मरना, मतलब डाई ए शेमफुल डेथ, मतलब क्या होता है कि आपकी वैल्यू कट चुकी होती फिर आपकी डेथ होती है ना। डाई इन हार्नेस मतलब होता है कि अपने कार्य अवधि के दौरान ही मृत्यु होना, मतलब कि आप जब सर्विस में है और उस टाइम आपकी डेथ हो जाती है तो क्या कहलाता है डाई इन हार्नेस कहलाता है वो। ठीक है, डॉग इन द मैनेजर मतलब होता है जो दूसरों को उस सुख को भोग करने देता है जो उसके किसी काम का नहीं, मतलब जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता है जो उसे किसी काम का नहीं। ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही कैन नॉट, मतलब अगर खुद की कोई काम की चीज नहीं है ना तो दूसरे को भी मत करने दो, तो वो क्या होगा डॉग इन द मैनेजर है, मतलब आपकी अगर करेंसी यहाँ की आपका डॉलर है और आपके पास आपका ही बाहर का फ्रेंड है तो आप उसको भी नहीं देंगे कि यूज कर लेवे कहीं, तो वो वाली बात है, समझ रहे। नेक्स्ट अपने पास फैंसी प्राइस, फैंसी प्राइज मतलब होती है कि किसी ने आपसे मुंह मांगी कीमत मांगी ना वो भी देने को प्राइज है, मतलब तैयार है, तो क्या होगा कि फैंसी प्राइज हो जाएगी। ठीक है, किसी चीज की जैसे लास्ट डे पे आप कुछ भी यूज कर लीजिए, लास्ट डे पे कहीं पे भी बिल्कुल एंड सेल मोमेंट है आप कुछ खरीदने गए तब आपने क्या मांगते हैं फैंसी प्राइज मांगते हैं आपसे। ठीक है, तो वो कहते हैं मुंह मांगी कीमत होती है। ठीक है, फेदर इन द कैप मतलब होता है कि कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त करना या फिर एडिशनल सक्सेस, मतलब कि अपनी सक्सेस में और भी बहुत कुछ ऐड करना। ठीक है, अगर अपन बात करें नेक्स्ट है फेदर्स वन नेस्ट, फेदर्स वन नेस्ट है अपने पद पर लाभ का लाभ उठाकर कमाई करना भविष्य के लिए जुगाड़ करना, मतलब क्या अपने लिए खुद पैसा इकट्ठे करते जाना, मतलब चाहे हुक हो चाहे क्रुक से हो पर पैसा इकट्ठे करते जाना खुद के लिए। ठीक है,
फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है टालना किसी चीज को, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड थिंग और पर्सन, मतलब किसी पर्सन को आप पसंद नहीं करते तो उसको सामने से आ रहा है उसको टालना चाहते हो, तो कहेंगे फाइट शाई ऑफ, आई फाइट शाई ऑफ हिम, मैंने उसको टाल दिया साइड में, ठीक है। तो क्या फाइट शाई ऑफ मतलब होता है किसी को टालना, ठीक है। फिष इन ट्रबल्ड वाटर्स मतलब होता है विषम परिस्थिति का लाभ उठाना, ठीक है, मतलब टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, मतलब कोई दूसरा मुसीबत में फंसा हुआ है तो उसकी मुसीबत का खुद लाभ उठाना, क्या कहलाएगा, फिश इन ट्रबल्स वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है ना फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है कष्टप्रद अवस्था, मतलब बहुत मिजरेबल कंडीशन में होता है ना, क्या कहलाता है, फिश आउट ऑफ वाटर कहलाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है ना फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, मतलब कोई असुविधा होना, ठीक है, आपको पहले आके लगी हुई ऑइंटमेंट यूज कर रहे हैं फिर उसमें फ्लाई और आगे, मतलब क्या हो गया असुविधा, तो ए स्लाइट अनप्रेजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज के एंजॉयमेंट को अगर कोई खराब कर देता है तो क्या कहलाता है, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट कहलाता है, ठीक है। फूल्स पैराडाइज मतलब होता है झूठी उम्मीद में खुश होना, किसी झूठी उम्मीद में खुश होना क्या कहलाता है, फूल्स पैराडाइज मतलब है ना बेवकूफों का स्वर्ग है, मतलब क्या झूठी उम्मीद में खुश होना क्या कहलाता है, फूल्स पैराडाइज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोर्टी विंग्स, फोर्टी विंग्स मतलब झपकी इन नैप, नैप को अपन क्या कहते हैं, फोर्टी विंग्स कहते हैं, ठीक है। फ्रेंडली मतलब होता है कि बिना सूचना के अनुपस्थित होना, मतलब आपने कोई छुट्टी ले ली और आपने इंटीमेट नहीं किया ऑफिस में या स्कूल में कॉलेज में कि आप कोई छुट्टी क्यों ले रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं दी, तो वो लीव क्या कहलाती है, फ्रेंच लीव कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब होता है कि वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, कोई भी एडिशनल आपको बेनिफिट मिल रहा है सैलरी के अलावा कहीं से भी आप ले रहे हैं, चाहे वो सेकेंडरी या टर्शरी कहीं से भी आप ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ग्रास विडो, ग्रास विडो का मतलब होता है कि ऐसी कोई मैरिड लड़की जिसका हस्बैंड उससे दूर रहता है वो क्या कहलाती है, ग्रास विडो कहलाती है। विडो प्योरली मतलब वो नहीं है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, मतलब वेडिंग तो हो चुकी है बट वो दूर रहता है, तो क्या हो जाएगा, ए मैन हु इज सेपरेटेड डाइवर्स और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, क्या कहलाता है, ग्रास विडो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम मतलब होता है रिश्वत लेना, मतलब हथेली गीली करना, मतलब टू ब्राइब। फिर अपने पास ग्रीन रूम, ग्रीन रूम का मतलब है अपने पास अभिनेता का वेशभूषा का कमरा, मतलब जहां एक्टर्स वगैरह चेंज करते हैं कपड़े अपने, वो क्या कहलाता है, ग्रीन रूम कहलाता है, ठीक है। ए लॉन्ज इन थिएटर स्टूडियो फॉर द परफॉर्मर्स टू गेट रेडी, है ना, कोई भी एक्टर हो एक्ट करने वाले वो चेंज करने के लिए जो जगह होती है वो ग्रीन रूम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ग्रिस्ट टू वंस मील, मतलब होता है फायदेमंद, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज, मतलब कोई भी कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन हो या कोई ऐसी चीज हो जिसको आप कह सकते हैं ग्रिस्ट टू वंस मील, मतलब इसका फायदा उठाया जा सकता है, तो क्या कहलाएगी, फायदेमंद आपके लिए कहलाएगी, ग्रिस्ट टू वंस मील हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास हेल्कन डेज, हेल्कन डेज मतलब होता है खुशगवार दिन, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है, मतलब पीसफुल अच्छे दिन गुजर रहे होते हैं आपके, तो क्या कहलाते हैं, हेल्कन डेज कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हैमर एंड सिकल, मतलब होता है समाजवाद का प्रतीक, मतलब होता है ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म जनरल, मतलब क्या होता है कि सबके लिए इक्विटी है, कम्युनिज्म मतलब होता है कि सबके लिए इक्विटी, मतलब सोसाइटी सबसे ऊपर है, उसका साइन है हैमर एंड सिकल, हैमर मतलब हथौड़ी, सिकल मतलब एक तीखा सा औजार होता है वो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हैमर एंड टोंग्स, हैमर मतलब हथौड़ी एंड टोंग्स मतलब चिमटा, तो बहुत अधिक मेहनत से, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना क्या कहलाता है, हैमर एंड टोंग्स में इंक्लूड होता है, तो विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी। नेक्स्ट है फिर हैंड एंड ग्लव, मतलब अच्छे सहयोग से, इन क्लोज कोऑपरेशन, मतलब किसी की अच्छे से मतलब क्लोजली हेल्प कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, हैंड एंड ग्लव विथ, हैंग बाय ए थ्रेड मतलब होता है बहुत नाजुक स्थिति में होना, भाई बिल्कुल रिस्की कंडीशन में होना क्या कहलाता है, जस्ट एक थ्रेड से बंधा हुआ है, पतले से थ्रेड से, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास हार्ड नट टू क्रैक, मतलब होता है कोई भी जटिल समस्या कहलाती है ना, जो बहुत हरकुलियन टास्क हो रहा है आपने लिए, तो वो क्या कहलाता है, हार्ड नट टू क्रैक कहलाता है, मतलब जटिल समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हॉल ओवर द कोर्स, मतलब कोर्स ना किसी को टू टेक टू टास्क टू रेप्रेमेंट, मतलब किसी को पछतावा करना, ठीक है, क्या कहलाएगा, किसी को कोसना है पछतावा करना क्या कहलाएगा, होल ओवर द कोल्स कहलाएगा, ठीक है। या फिर कोई ऐसा टास्क लेना कि जिसमें आपको बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ रही है, बढ़िया वाला जो कठिन टास्क है उसके लिए, ठीक है। हैव फिंगर इन द पाए मतलब क्या होता है, फिंगर इन द पाए मतलब होता है किसी कार्य में शामिल होना, मतलब कोई भी काम चल रहा है आप उसमें, जैसे कोई अच्छा काम चल रहा है पानी पिलाने का कहीं पे, तो आप उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो क्या हो गया, हैव फिंगर इन द पाए हो गया, ठीक है, तो किसी कार्य में शामिल होना हो गया, ठीक है। हैव वंस हैंडफुल होता है काम की कमी नहीं होना, हैव वंस हैंड का मतलब क्या होता है, काम की कमी नहीं होना, मतलब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा ऑलरेडी काम पड़ा है, कमी नहीं है काम करने के लिए, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके पास मतलब कोई कमी नहीं है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट अपने पास हुशमनी, ठीक है, नेक्स्ट क्या अपने पास हुशमनी कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, हुशमनी कहलाएगा, ठीक है।
मनी मतलब होगा किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा, मतलब आप किसी चीज को सीक्रेट रख रहे हैं, सीक्रेट को रखने के लिए आपको जो पैसा मिला है, तो उसे कहेंगे अपन खुश मनी, मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें अपन इन ए नटशेल, तो इन ए नटशेल मतलब होता है संक्षेप में कोई भी बात को शॉर्ट में कहना क्या कहलाएगा, इन ए वेरी ब्रीफ फॉर्म मतलब हो जाएगा इन ए नटशेल। ठीक है, छोटे से बिल्कुल शॉर्ट में। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है किसी भी चीज को रिटर्न में देना क्या कहलाएगा, इन ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन रिटर्न। इन फुल स्विंग मतलब होता है पूरे जोर से, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी मतलब जितना जोर लगा सकते हैं उतना एफर्ट लगा के, तो इन फुल स्विंग। इन द ब्लूज मतलब होता है दुख संताप, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होना क्या कहलाएगा, इन द ब्लूज होगा। नेक्स्ट आने पास इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मतलब अंत या फिर अल्टीमेटली मतलब लास्ट में जाके, मतलब एट द एंड, इन द लॉन्ग रन मतलब बहुत लंबा जाके कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मतलब होता है ठीक समय पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट मतलब जस्ट खत्म होने वाली ही हो कोई चीज, और उसी समय पर आपके कोई काम हो गया हो, मतलब ट्रेन निकलने वाली हो उससे पहले आपको जस्ट ट्रेन मिल गई हो, तो क्या कहलाएगा, इन द निक ऑफ टाइम कहलाएगा। ठीक है, इन द सेम बोट मतलब होता है सेम ही हालात होना, आपके और आपके दोस्त के एक जैसे हालात है, तो क्या कहलाएगा, यू आर इन द सेम बोट। ठीक है, इन वोग मतलब होता है प्रचलित, मतलब बहुत ज्यादा करंट फैशन में जो चीज होना उसको क्या कहेंगे, इन वोग कहेंगे। ठीक है, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है विस्तृत विवरण, मतलब इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लिकेशंस फुल डिटेल, मतलब उसके की फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, सब कुछ समझाना कि इसमें इंक्लूड होगा, इन्स एंड आउट्स में इंक्लूड होगा। ठीक है, आयरन हैंड या फिर आयरन फिस्ट मतलब होता है कड़ाई से, मतलब रिग्रेस कंट्रोल, मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल होना अपने आप पे। ठीक है, आयरन फिस्टेड मतलब क्या होता है, कंट्रोल अच्छे से होना, कुछ भी कहलाएगा आयरन हैंड कहलाएगा। ठीक है, इचिंग पाम मतलब क्या होता है, रिश्वत लेने की आदत होना, क्या क्रैविंग फॉर ब्राइब मतलब क्या होता है, क्या कंटिन्यू ब्राइब के यूज टू हो, कि कोई काम तभी करोगे जब ब्राइब मिलेगी। ठीक है, इट्सी बिट्सी मतलब होता है अपने अत्यंत छोटा, वेरी स्मॉल और टाइनी क्या कहलाता है, इट्सी बिट्सी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नॉन, मतलब क्या है कि आप हर काम थोड़ा थोड़ा आता है, बट ऐसा कोई काम नहीं जो आपको बिल्कुल परफेक्ट आता है, उसी तरह से मतलब आपको हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा सा आता है, बट परफेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं आता, मतलब मास्टर किसी सब्जेक्ट के नहीं हो, तो कहा जाएगा जैक तो ऑल ट्रेड्स के हो बट मास्टर्स ऑफ नन हो जाएगा। ठीक है, जेल बर्ड का मतलब था जो जेल में हो या पहले, ए पर्सन हु इज और हैज बीन, मतलब जो जेल में जा चुका है या जेल में अभी है, तो वो क्या होगा, जेल बर्ड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास निट वंस ब्रो, मतलब क्या होता है, त्योरियां चढ़ाना, गुस्सा करना, किसी पे गुस्सा करना क्या कहलाता है, निट वंस ब्रो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास लेडीज मैन, लेडीज मैन मतलब होता है जो महिलाओं के संगत में रहना पसंद करता है, ए मैन हु इज फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन, मतलब वो इंसान जो लेडीज के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है वो क्या कहलाता है, लेडीज मैन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेम एक्सक्यूज, मतलब होता है असंतोषजनक बहाना बनाना, मतलब ऐसा कोई बहाना बना रहे हैं आप कि जो बिल्कुल सामने वाले को पता चल रहा है कि बिल्कुल बेसलेस है, ये तो साफ दिख रहा है झूठ बोल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, लेम एक्सक्यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, मतलब होता है प्रशंसा के रूप में अपमान, मतलब क्या होता है, आप किसी की इंसल्ट कर, तारीफ के रूप में इंसल्ट कर रहा है उसकी। ठीक है, तारीफ के रूप में इंसल्ट करना क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, फिर होता है लायंस शेयर, मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा, किसी भी चीज में सबसे बड़ा हिस्सा क्या रखा कहलाता है, लायंस शेयर कहता है, जैसे कोई पिज्जा है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आपने लिया, जैसे चार पार्ट ने तीन पार्ट आप ले लिया, तो क्या हो गया, लायंस शेयर हो गया। ठीक है, लिव इन एन आइवरी टावर, मतलब क्या होता है, संपन्नता में जीना, आम लोगों के दुख से खुद को दूर रखना, मतलब आप अच्छी कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं और आपको दूसरे लोग कैसे गरीबी में जी रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लिव इन एन आइवरी टावर। ठीक है, लॉव्स एंड फिशेस का मतलब होता है व्यक्तिगत लाभ, मतलब मेटेरियल बेनिफिट, खुद के लिए जो बेनिफिट निकलता है ना वो क्या कहलाता है, लॉव्स एंड फिशेस कहलाता है। ठीक है, लुक ऑफ कलर मतलब होता है अस्वस्थ दिखाई देना, मतलब बिल्कुल ऑफ कलर्स हो गया, कलर नॉर्मल अगर अपन कलर है शाइन हो जाएगा, बट अभी जो शाइन डल चुकी है मतलब आप बीमार है, तो आप क्या शो हो रहे हैं, इल और अनहेल्दी शो हो रहा है, तो ये क्या जाएगा, लुक ऑफ कलर हो जाएगा। लुक थ्रो कलर्ड ग्लासेस मतलब होता है झूठे आवरण से देखना, मतलब क्या होता है, जैसा रियलिटी उसे दूर है ना और उसके अलग तरीके से देखना क्या कहलाएगा, लुक थ्रो कलर्ड ग्लासेस टू सी विद डिफरेंट रॉन्ग व्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है लंप इन द थ्रोट, मतलब होता है कि गला भर जाना। ठीक है, ए टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशंस, मतलब इमोशन की वजह से आप रोने वाले से होते हैं, मतलब रुंधा रुंधा सा गला हो जाना क्या कहलाता है, लंप इन द थ्रोट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैड एज ए मार्च हेयर, मतलब सिर्फ रहा होना, क्रेजी होना, इनसेन होना, मतलब जैसे मार्च में एक गधा है क्या हो जाता है, खूब सारी घास देख के पागल हो जाता है, वैसे क्या होता है, मैड एज ए मार्च हेयर, मतलब सिर्फ रहा हो जाना। ठीक है, मेक ए क्लीन ब्रश मतलब होता है सच कबूल कर लेना, टू कन्फेस एस्पेशली समथिंग बैड और इलीगल, आपने कुछ गलत किया है तो उसको आप कन्फेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मेक ए क्लीन ब्रश हो जाएगा। ठीक है, मेडन नेम का मतलब क्या होता है,
विवाहित स्त्री का विवाह से पूर्व का नाम, मतलब कि लड़की का ये कहीं ना कहीं रिवाज है कि तो शादी के बाद क्या लड़की का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो जो शादी से पहले जो नाम होता है वो क्या कहलाता है, मेडन नेम कहलाता है, ठीक है, MAIDEN, मेडन नेम, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति जिसने एक्सपीरियंस है बहुत सारा, बहुत सारी चीजों का, क्या है एक्सपीरियंस, जो क्या कहलाएगा मैन ऑफ द वर्ल्ड कहलाएगा, ठीक है। ये है मैन ऑफ वर्ल्ड शब्दों का, सॉरी ये वाला है मैन ऑफ वर्ल्ड मतलब होता है जो अपने जुबान का सच्चा है, ट्रू ऑफ टू वंस वर्ड मतलब क्या कहलाता है, मैन ऑफ वर्ड कहलाता है मतलब जुबान का सच्चा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास मेयर्स नेस्ट होता है। नेक्स्ट क्या अपने पास मेयर्स नेस्ट होता है। मेयर्स नेस्ट मतलब क्या होता है, झूठी अफवाह फैलाना, ठीक है। ए फॉल्स इन्वेंशन क्या कहलाता है, ये भाई मेयर्स नेस्ट में इंक्लूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिडास टच। मिडास टच मतलब जादुई शक्ति जिस काम में हाथ लगाए हुआ लाभदायक सिद्ध हो। तो ए मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल, मतलब किसी किसी का होता नहीं, किसी का हाथ शुभ है इससे काम करवाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मिडास टच कहलाता है, मतलब किसी से अच्छा काम शुरू करवाना, ठीक है। नेक्स्ट है मींस मैटर्स। मींस मैटर्स मतलब होता है ज्यादा शब्दों के प्रयोग से बचना, मतलब नॉर्मल मॉडरेट है ना, तो ज्यादा हार्ड बोल रहे हैं ना ज्यादा सॉफ्ट बोल रहे हैं, तो मींस मैटर्स मतलब क्या होता है कि इसमें मोस्टली आएंगे अपन ज्यादा मतलब हार्ड नहीं बोल रहे हैं, मॉडरेट बोल रहे हैं, ठीक है। टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज मतलब शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना, मतलब अपने बिहेवियर का अगर पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कुछ गलत ना हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज कहलाता है। क्या कहलाएगा, टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने मिस द बीट। मिस द बीट का मतलब होता है अवसर खोना, टू लोज एन अपॉर्चुनिटी। तो मिस द बीट मतलब होता है अवसर खोना या फिर टू लोज एन अपॉर्चुनिटी, क्या कहलाएगा कि आपने किसी अपॉर्चुनिटी खो दिया, ठीक है। मदर बीट क्या होता है, मदर बीट होता है आम जानकारी या फिर कॉमन सेंस, मतलब क्या कॉमन सेंस क्या कहेंगे, मदर बीट कहेंगे, ठीक है। मूव हेवन एंड अर्थ क्या होगा, आकाश पाताल एक करना, मतलब टू प्राई और बेस्ट, अपना बेस्ट ट्राई करना क्या कहलाएगा, मूव हेवन एंड अर्थ कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास मच क्राय एंड लिटिल वूल, मतलब ये राय का पहाड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात है उसको आपने बहुत बड़ा कर दिया, तो क्या कहलाएगा, राय का पहाड़ बनाना, ठीक है। मच अडो अबाउट नथिंग, तो सेम ये लॉट ऑफ फैन फॉर समथिंग विच हैज वेरी लिटिल इंपॉर्टेंट, मतलब छोटी सी बात को बड़ा कर देना कहलाएगा मच क्राय एंड लिटिल वूल, ठीक है। नैरो एस्केप एंड क्लोज सेव की बात करें तो ये होता है बाल बाल बच निकलना, टू एस्केप बाय लिटिल मार्जिन, हल्की सी मार्जिन से आप बच निकले, तो क्या कहलाएगा, नैरो एस्केप या फिर क्लोज सेव कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आने वाला निग्नैग। निग्नैग है जो लगातार परेशान करे, अफ्रीकन नस्ल सुधार के लिए निग्नैग का मतलब क्या होता है, जो आपको लगातार परेशान करे, ठीक है। ए नाउन यूज टू एड्रेस समवन विद जोग और फ्रस्ट्रेशन, आपको बार बार जोग और फ्रस्ट्रेशन से परेशान करना है तो क्या कहलाता है, निग्नैग। तो आप कह सकते हैं डोंट निग्नैग मी, मतलब इससे परेशान ना किया जाए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट आने पास पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर का मतलब होता है कि कोई विशेषज्ञ होना, एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग होना, क्या कहलाता है, पास्ट मास्टर कहलाता है, ठीक है। किसी में एक्सपर्ट होना क्या कहलाता है, पास्ट मास्टर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ना पे द पाइपर, मतलब खर्चा वहन करना क्या कहलाता है, टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, आप किसी से खर्चा खुद उठा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, पे द पाइपर कहलाएगा, ठीक है। खर्चा वहन करना किसी का क्या कहलाएगा, पे द पाइपर, ठीक है। पे थ्रू हिज नोज मतलब क्या हो जाएगा, अत्यधिक खर्च वहन करना, टू पे डियरली, मतलब आप किसी से खर्चा कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मतलब किसी का खर्चा, तो क्या कहलाएगा, टू पे थ्रू हिज नोज। पेनी वाइज पाउंड फुलिश मतलब क्या होता है, छोटे खर्चे में किफायती करना बड़ी रकम उड़ाना, मतलब क्या होता है, केयरफुल अबाउट ट्रैफल बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर, मतलब कोई भी छोटा सा कोई काम है, मतलब लाना आपको पेन है बट आप 100 रुपए का जाके पेन लेके आ रहे हैं, 1000 रुपए का पेन लेके आ रहे हैं, मतलब छोटे से काम के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने का कहलाता है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास पिक अप द गॉन्टलेट। पिक अप द गॉन्टलेट मतलब क्या होता है कि चैलेंज कबूल करना, टू एक्सेप्ट द चैलेंज मतलब होता है पिक अप द गॉन्टलेट, ठीक है। प्ले ड्रग्स एंड ड्रग्स मतलब क्या होता है कि पैसे बर्बाद करना, टू वेस्ट मनी मतलब होता है प्ले ड्रग्स एंड ड्रग्स, मतलब फिजूल खर्ची कोई भी गेम खेला ही हो जाएगा, प्ले ड्रग्स एंड ड्रग्स, ठीक है। प्ले सेकंड फिडल मतलब क्या होता है, निचला स्थान स्वीकारना, मतलब आप सबऑर्डिनेट पोजीशन को स्वीकार कर रहे हैं, मतलब कि आप जरूरी आपको टॉप पे बैठाया जाए, तो आप सेकंड वाली पोजीशन थर्ड वाली पोजीशन को भी एक्सेप्ट करने को तैयार है, तो ये क्या हो जाएगा, प्ले सेकंड फिडल हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास प्ले ट्रॉन्ट। प्ले ट्रॉन्ट मतलब होता है अपने बिना इजाजत काम से गायब रहना, मतलब आपने किसी को बताया नहीं आप कहाँ जा रहे हैं और आप काम से गायब हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो प्ले ट्रॉन्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास पॉइजन समवन्स ईयर्स मतलब होता है कान भरना किसी की, टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर, मतलब किसी के बारे में दूसरे से बुराई करना क्या कहलाएगा, पॉइजन समवन्स ईयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पोक वंस नोज मतलब होता है किसी की टांग अड़ाना, किसी के बीच में इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, पोक वंस नोज होता है, ठीक है। पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर मतलब क्या होता है, क्रोध किसी का शांत करना, मतलब किसी को टू पैसिफाई द मैटर,
मतलब किसी की लड़ाई को खत्म करना करवाना क्या कहलाएगा, पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष और निष्पक्ष, मतलब किसी चीज का अच्छे पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है वो बताना क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स होता है। ठीक है, पुल वंस लेग मतलब होता है किसी की टांग खिंचाई करना, ठीक है, टू मेक फन और टू टीज, किसी को टीज करना। ठीक है, पुल द वूल ओवर समबडीज आईज मतलब धोखा देना किसी को, टू मिसलीड किसी को गलत, या तो बताना किसी के पैसे चुनाने, मतलब किसी की मिसलीड करना क्या कहलाएगा, पुल द वूल ओवर समबडीज आईज। ठीक है, पुट ए स्पोक इन वंस व्हील मतलब तंग करना या बाधा उत्पन्न करना, मतलब स्पोक मतलब होता है लकड़ी डालना किसी के पहिए में, मतलब किसी को ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना किसी की लाइफ में। नेक्स्ट है अपने पास रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब होता है किसी को अपराध करते समय रंगे हाथों पकड़ना क्या होता है, रेड हैंडेड होता है। ठीक है, रेड लेटर डे मतलब होता है कि सौभाग्य का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, ए मेमोरेबली इंपॉर्टेंट और हैप्पी ओकेजन क्या कहलाता है, रेड लेटर डे कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास रेड टेपीज में। रेड टेपीज का मतलब होता है लाल फीताशाही, मतलब होता है स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू एक्सेसिव पेपर वर्क एंड ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज क्या कहलाता है, रेड टेपीज मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब ऑफिशियल तरीके से काम करना क्या कहलाएगा, रेड टेपीज में कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स मतलब होता है भूतकाल की उपलब्धि पर निर्भर करना, मतलब अपने पास्ट में कुछ अच्छा किया उसी पे घूम रहे हैं कि भाई मैं अब भी अच्छा कर लूंगा बिना मेहनत किए, तो ये कहते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स होता है। ठीक है, राइम और रीजन का मतलब होता है किसी भी कारण से, राइम और रीजन मतलब होता है किसी भी कारण से, सेंस लॉजिक और मीनिंग, कोई भी काम किसी भी कारण से अटक गया हो तो क्या कहेंगे, राइम और रीजन। ठीक है, नेक्स्ट है राइट हैंड मतलब होता है मुख्य सहायक व्यक्ति। ठीक है, राइट हैंड मैन मतलब क्या होता है, मुख्य सहायक व्यक्ति को क्या कहते हैं अपन, राइट हैंड मैन मतलब दाहिना हाथ है आपका। ठीक है, वंस मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट और सपोर्टर। राइज लाइक ए फिनिक्स, फिनिक्स मतलब होता है बहुत बड़ी समस्या से उभर कर आना, क्या कहलाएगा, राइज लाइक ए फिनिक्स फ्रॉम द एशेस, मतलब जैसे फिनिक्स निकलती है एशेस से वैसे ही बड़ी समस्या से निकल के बाहर आ जाना क्या कहलाएगा, राइज लाइक ए फिनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस। ठीक है, रॉक द बोट, रॉक द बोट का मतलब कहता है संतुलन बिगाड़ना, टू डिस्टर्ब ए सिचुएशन विच वाज अदरवाइज स्टेबल, मतलब पहले नॉर्मल थी अब आपने उसको बिगाड़ दिया क्या कहलाएगी, वो रॉक द बोट कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन मतलब जो स्थिरता के साथ कार्य नहीं करता है, मतलब रेस्टलेस पर्सन है जो कंटिन्यू मूव करता रहता है, यही जगह स्टैटिक होकर कोई काम नहीं कर रहा क्या कहलाता है, रोलिंग स्टोन कहलाता है। देन आती है रॉयल रोड, आती है रॉयल रोड मतलब होता है कोई आसान रास्ता। ठीक है, एन इजी और डायरेक्ट वे टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट क्या कहलाता है, रॉयल रोड कहलाएगा। ठीक है, रूल द रोस्ट का मतलब क्या होता है कि रोप जमाना खुद का क्या कहलाता है, रूल द रोस्ट या फिर डोमिनेट करना होता है, रूल द रोस्ट। नेक्स्ट अपने पास सेट वंस हार्ट ऑन मतलब किसी को बहुत ज्यादा चाहना क्या कहलाता है, सेट वंस हार्ट ऑन मतलब बहुत ज्यादा, टू हैव वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग, किसी को बहुत ज्यादा चाहना क्या कहलाता है, सेट वंस हार्ट ऑन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेट वंस टीथ ऑन एज मतलब किसी को परेशान करना, टू इरिटेट और एनॉय समवन मतलब होता है सेट वंस टीथ ऑन एज। ठीक है, सेट द थेम्स ऑन फायर मतलब आश्चर्यजनक कार्य करना, थेम्स एक रिवर है उसको आग लगाना मतलब क्या हो गया कि मतलब कोई बहुत आश्चर्यजनक मतलब बहुत सरप्राइजिंगली काम कर जाना क्या कहता है, अमेजिंग काम कर जाना क्या कहता है, सेट द थेम्स ऑन फायर कहता है। ठीक है, शोल्डर टू शोल्डर मतलब होता है पूरा किसी की हेल्प करना, मतलब जब भी उसको हेल्प चाहिए तब आपने उसको यूनाइटेड एफर्ट दिया, मतलब हमेशा कंटिन्यू उसके साथ बने रहे। शो वाइट फेदर मतलब होता है भय प्रदर्शित करना, टू शो कोवर्डिस मतलब क्या होता है कि आपने दिखा दिया कि आप डरपोक हो, मतलब क्या कर दिया, शो वाइट फेदर, आपने वाइट फेदर दिखा दिया। नेक्स्ट है साइन डाई मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनेटली मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, क्या कहलाता है, साइन डाई। साइन डाई मतलब क्या होता है, लंबे टाइम के लिए कुछ भी होना होता है, साइन डाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस मतलब होता है किसी का पक्ष नहीं लेना, मतलब बिल्कुल किनारे में बैठे हैं आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। ठीक है, रिफ्यूज टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है स्लीप ऑफ द टंग मतलब होता है जुबान फिसलना है, फिर स्पोकन अनइंटेंशनली क्या कहलाता है, स्लीप ऑफ द टंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमने स्लो कोच मतलब आलसी व्यक्ति, ए पर्सन हु विद लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग, कुछ काम करना चाहता ही नहीं है, बिल्कुल आलसी है, वो क्या कहलाएगा, स्लो कोच कहलाएगा। स्मॉल फ्राई मतलब होता है गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसको आप मतलब एक महत्वपूर्ण टास्क नहीं दे सकते, वो क्या कहलाएगा, स्मॉल फ्राई में इंक्लूड होगा। ठीक है, स्मेलर एट मतलब होता है कुछ गलत है ये महसूस कर लेना, टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन मतलब कि आपको पहले से फील हो गया कुछ गलत होने वाला है, तो क्या हो जाएगा, स्मेल एरेट हो जाएगा। ठीक है, स्मूथ सेलिंग मतलब क्या होता है, परेशानी के बिना कोई काम कर जाने का क्या होता है, स्मूथ सेलिंग कहलाता है। ठीक है, स्नेक इन द ग्रास होता है मतलब आस्तीन का सांप कपटी मित्र, मतलब सीक्रेट है, मतलब आपको लगता है कोई दोस्त है बट वो निकलता दुश्मन है, तो क्या होता है, स्नेक इन द ग्रास। शेक इन द शूज होता है डर से कांपना, ठीक है, ट्रेम्बल विद फियर और एप्रेंशन क्या कहलाता है, शेक इन द शूज कहलाता है। ठीक है, शो द ड्रैगन्स टीथ मतलब होता है भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठा करना, क्या होता है, सो द
ड्रैगन्स टीथ टू क्रिएट फ्यूचर ट्रेवल्स फॉर योर सेल्फ और अदर्स के लिए क्या था, शो ड्रैगन्स टीथ। तो ये था आज के वर्ड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आए होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके इसका। और अगर आपको कोई डाउट रहता है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर या फिर विजिट कीजिए हमारे साइट सारस्वती हिंदी इंग्लिश टर्न और टाइपिंग क्लासेस। थैंक यू।